हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था कि आज से मैं कोल माइन रेगुलेशन का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं डेली एक एक रेगुलेशन को कवर करूंगा। ठीक है, मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी स्टेशन पे हूं और स्टेशन पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर इन केस आपको किसी टाइम किसी वक्त आपको ऐसा लगे कि साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा सा साउंड में आज दिक्कत होगा, लेकिन आज भर थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर वन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैंने आज दो रेगुलेशन को लिया है, रेगुलेशन नंबर वन और रेगुलेशन नंबर टू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर वन। रेगुलेशन नंबर वन में ज़्यादा कुछ है नहीं। रेगुलेशन नंबर वन का टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस रेगुलेशन में है क्या क्या। ठीक है, चलिए पहला रेगुलेशन है, बस यही दो पॉइंट आपको जानना है कि CMR 2017 हर कोल माइन में अप्लाई होगा। अब आपके दिमाग में कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा कि ये कोल माइन रेगुलेशन 2017 जो बना है वो सिर्फ गवर्नमेंट जो माइन से, जो सरकारी माइन से सिर्फ उसमें अप्लाई होता है, तो आप गलत हैं। ये जो कोल माइन रेगुलेशन 2017 है, ये इंडिया के हर एक कोल माइन्स में अप्लाई होगा, आइदर वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है कि ये जो कोल माइन रेगुलेशन है वो पूरे इंडिया में लागू होगा। ये पर्टिकुलर कोई स्टेट के लिए नहीं बना है, कोई यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं बना है, ये पूरे इंडिया में लागू होगा। इंडिया में जितने भी कोल माइंस हैं, सभी कोल माइंस में कोल माइन रेगुलेशन 2017 लागू होगा। बस रेगुलेशन नंबर वन आपका कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन आता है अब आपका रेगुलेशन नंबर टू, डेफिनेशन। इसमें बहुत से डेफिनेशन है, लेकिन सारा डेफिनेशन को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं ट्राई किया हूँ इस वीडियो में, इस टॉपिक में कवर करने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलेशन नंबर टू जो कि है डेफिनेशन। आप मैं जो रेगुलेशन बता रहा हूँ उसके साथ साथ आप रेगुलेशन का टाइटल भी देखते जाइएगा। रेगुलेशन नंबर वन था शॉर्ट टाइटल, ठीक है, और इसमें है रेगुलेशन नंबर टू डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डेफिनेशन है हमारा AMM। AMM का फुल फॉर्म होता है अबंडेंट माइन मीथेन। अब अबंडेंट माइन मीथेन क्या होता है भाई? तो अबंडेंट माइन मीथेन वैसे मीथेन को बोलते हैं जो अबंडेंट माइन से निकला हो, कोई बंद माइन से जो मीथेन निकला हो वैसे मीथेन को, वैसे इनफ्लेमेबल गैस को हम लोग बोलते हैं अबंडेंट माइन मीथेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक्समैन। बैंक्समैन और ऑनसेटर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ जानते भी होंगे शायद, लेकिन आपको बैंक्समैन और ऑनसेटर में कन्फ्यूज़न होता होगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा लास्ट तक देखिए, आपको सारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैंक्समैन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि बैंक्समैन एक वैसा कंपिटेंट पर्सन होता है जो शाफ्ट या इंक्लाइन के ऊपर में। अब शाफ्ट इंक्लाइन क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा कि शाफ्ट और इंक्लाइन और एडिट, ये तीन तरीका होता है अंडरग्राउंड माइंस में एंट्रेंस का। ठीक है, शाफ्ट ऐसे वर्टिकली होता है, शाफ्ट मतलब नॉर्मल समझिए एक ऐसे कुआं होता है, इसमें केज की मदद से आदमी ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो ये शाफ्ट के ऊपर में जो आदमी रहता है, ठीक है, सिग्नलिंग देने के लिए। अब केज ऊपर नीचे जा रहा है, साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, आज भर थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो जो ऊपर में आदमी रहता है, जो केज अब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या कहाँ पे है, इसके सिग्नल देने के लिए जो आदमी रहता है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक्समैन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसा कॉम्पिटेंट पर्सन जो शाफ्ट या इंक्लाइन के ऊपर में रह के सिग्नल दे। ठीक है, वो सिग्नल किसी भी तरह से दे सकता है, जो सिग्नल देता है उसको ऊपर में रह के उसको हम लोग बैंक्समैन बोलते हैं। ठीक है, अब वो सिग्नल किस चीज़ के लिए देगा? तो शाफ्ट में जो केज ऊपर नीचे जाएगा तो उसके लिए सिग्नल देगा। ठीक है, कि अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये इतने स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और वो केज में कौन बैठा रहेगा? या तो पर्सन्स रहेगा, नहीं तो टूल्स या फिर मटेरियल्स रहेंगे, तो उसको लोअर या फिर रेस कराने में जो हेल्प कराता है ऊपर में रह के, याद रखिएगा यही इसका की पॉइंट है बैंक्समैन और ऑनसेटर में डिफरेंस करने का, कि बैंक्समैन ऊपर में रहता है और ऑनसेटर नीचे रहता है शाफ्ट के बॉटम में या फिर इनसेट में। ठीक है, अब इनसेट क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। बैंक्समैन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलते हैं? देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि उसका कम से कम जो उम्र है वो 20 साल होना चाहिए। ठीक है, और कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसको मैनेजर, ठीक है, जिसको कौन अपॉइंट करता है? मैनेजर राइटिंग में अपॉइंट करता है किसी भी वर्क को सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है, सुपरवाइज मतलब होता है देखरेख, तो किसी भी वर्क को देखरेख करने के लिए, चाहे वो मशीन का सुपरविजन हो या किसी भी चीज़ का सुपरविजन हो, उसके देखरेख, मशीन के देखरेख करने के लिए मैनेजर एक पर्सन को अपॉइंट करता है राइटिंग में, जिसको हम कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा डीप होल ब्लास्टिंग, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एक ओपन कास्ट का टर्मिनोलॉजी है। ओपन कास्ट में जब हम लोग जो ड्रिल करते हैं वो अगर 3 मीटर से ज़्यादा करते हैं, देखिए डेप्थ अगर 3 मीटर से ज़्यादा हो ड्रिल होल का, तो वैसे होल को हम लोग डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने कुछ एक्ट लिखा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा थोड़ा। एक्सप्लोसिव एक्ट जो है वो 1884 में आया था, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ। एक्सप्लोसिव एक्ट जो है वो 1884 में आया था, इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 में आया था, और रेलवे एक्ट जो है वो 1989 में आया था। ये तीनों एक्ट और जो रूल है उसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बोल दूँ, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में आया था, इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 में, और रेलवे एक्ट 1989 में, ठीक है। चलिए अब आगे है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, और फॉर्म पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जो CMR 2017 से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं सभी पे मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे फॉर्म का डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने बहुत ही छोटा करके इसका डेफिनेशन बनाया है कि वैसा सारा फॉर्म जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया, जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने निकाला, वो फॉर्म निकला कब है, गैजेट में कब निकला है, तो वो अक्टूबर 2018 में निकला। ये मैंने जब CMR 2017 का कल जो बेसिक्स का वीडियो डाला था में मैंने ये बताया था। अगर अभी तक आपने वो CMR बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर से ही हमारा फर्स्ट डिग्री गैसेसियम, सेकेंड डिग्री गैसेसियम और थर्ड डिग्री गैसेसियम डिस्क्राइब होता है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर माइंस का जनरल एटमॉस्फेरिक एयर होता है, सामान्य वातावरण, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, रूफ कैविटी शामिल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें सील्ड ऑफ एरिया और बोर होल, जो माइंस का ऐसा पार्ट जो सील्ड ऑफ हो चुका है या फिर माइंस में जहां बोर होल किया गया है, वो एरिया को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गोफ। अब गोफ क्या होता है, तो अंडरग्राउंड माइंस का ऐसा वर्किंग, ऐसा जगह जहाँ पे पिलर या फिर सपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हो, ठीक है, मतलब कि वहाँ से कोयला निकाल के वहाँ का सपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हो। आपको पता है कि हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारा कोल पिलर छोड़ते हैं ऐसा सपोर्ट के लिए कि वो सपोर्ट बना रहे, तो उसको जब हम लोग उसके अंदर से कोयला निकाल के वो पिलर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको मतलब धंसने के लिए छोड़ देते हैं या फिर स्टोइंग कर देते हैं, जो भी वो डिप्लेयरिंग का पार्ट है, तो उस एरिया को हम लोग गोफ बोलते हैं। और लॉन्ग वॉल के केस में किसको गोफ बोलते हैं, तो लॉन्ग वॉल के केस में बस आप इतना जानिए कि जहाँ से कोल निकाल लिया गया हो उसको हम लोग गोफ बोलते हैं, ये लॉन्ग वॉल के केस में होता है, ठीक है, गोफ समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। आगे हॉल रोड। हॉल रोड मैंने आपको बता दिया है दूसरे वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हॉल रोड होता है ओपन कास्ट में, जिस भी रास्ता से मशीनरी आते जाते हैं उस रास्ते को हम लोग हॉल रोड बोलते हैं, ठीक है, ये ओपन कास्ट का एक टर्मिनोलॉजी है। आगे है HEMM। HEMM भी ओपन कास्ट के लिए होता है। HEMM का फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। यहाँ पे देखिए आप, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। ये होता क्या है, ओपन कास्ट माइंस में यूज़ होने वाली वैसी मशीन जो डिगिंग या फिर डिगिंग मतलब होता है खोदना कोड़ना, ड्रिलिंग डोजिंग या एक्सकवेटिंग लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हो, जैसे लोडिंग के लिए बहुत से मशीन यूज़ की जाती है, डोजिंग के लिए डोजर यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए ड्रिलर मशीन यूज़ किया जाता है, वो सारे मशीन को हम लोग HEMM बोलेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो ड्रिलिंग मशीन 50 mm तक का ही होल ड्रिल करती है, उसका जो डाया होता है होल का 50 mm तक ही होता है, तो वैसा मशीन जो 50 mm तक ही ड्रिल करती हो उसको हम लोग HEMM में नहीं लेते हैं। जो हैंड ड्रिल होता है माइंस में, जो अंडरग्राउंड माइंस में जो हैंड ड्रिल किया जाता है, वो भी HEMM में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो भी 50 mm तक ही ड्रिल कर पाता है, ठीक है, उसका डाया जो होता है होल का 50 mm तक ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं इंक्लाइन। इंक्लाइन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि माइंस में जाने का 3 रास्ता होता है। पहला ऐसा वर्टिकल एंट्रांस होता है जिसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, दूसरा ये देखिए ये होता है इंक्लाइन, और तीसरा एडिट होता है। मान के चलिए बीच में ऐसे पहाड़ है और यहाँ पे माइंस है, तो ऐसे जो रास्ता बनता है पहाड़ मतलब पहाड़ के साइड से पहाड़ को अक्रॉस करते हुए जो रास्ता बनता है उसको हम लोग एडिट बोलते हैं। तो आप इंक्लाइन समझ गए, इंक्लाइन क्या होता है, ये ऐसे रास्ता होता है ये, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा ऐसे अंदर जाता हुआ एक रास्ता रहता है जो अंडरग्राउंड माइंस की ओर आपको लेके जाता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, सरफेस पे आने के लिए या अंडरग्राउंड जाने के रास्ते को इंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इंक्लाइन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप अंडरग्राउंड में अंदर जाइएगा, अंदर से बाहर भी जो सेम रास्ता आएगा तो उस रास्ते को भी हम लोग इंक्लाइन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनसेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाफ्ट जो होता है वो कैसा होता है,
वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से केज से आदमी उतरा और नीचे चल गया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये साफ्ट है तो यहाँ से आदमी चढ़ेगा तो डायरेक्ट नीचे ही उतरेगा, बीच में जो लैंडिंग होता है ये बीच में, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे केज आया और यहाँ पर्सन को जाना है, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग इनसेट बोलते हैं, ठीक है। साफ्ट के बीच का प्लेटफॉर्म जो होता है उसको हम लोग इनसेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सिग्नल देने का काम कौन करता है, ऑनसेटर करता है। अभी ऑनसेटर का जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो अच्छे तरीके से उसमें देखेंगे कि बैंक्समैन तो साफ्ट के ऊपर या फिर इंक्लाइन के ऊपर से सिग्नल देता है, ऑनसेटर ऑनसेटर जो है वो कहाँ से सिग्नल देता है, तो ऑनसेटर देता है साफ्ट के बॉटम से और इनसेट से। इनसेट आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मिसफायर। अब मिसफायर क्या होता है, मिसफायर और सॉकेट ये दो टर्म है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और इस बार का एनसीएल का क्वेश्चन में सॉकेट से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा ये पॉइंट को सुनने के बाद। मिसफायर हम लोग उसको बोलते हैं जो पूरा का पूरा जो हम लोग होल में चार्ज किए वो फटा ही नहीं। सिंपल एकदम सरल भाषा में आप समझिए, होल में हम लोग चार्ज किए हैं, एक्सप्लोसिव डाले, उसको कनेक्ट करके जब ब्लास्टिंग किए, एक्सप्लोडर का जब की घुमाएं, तो वो चार्ज जो हुआ था वो होल फटा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटा। इसीलिए इसका डेफिनेशन है फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज, पूरा चार्ज कुछ फटा ही नहीं, कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सॉकेट क्या होता है भाई, सॉकेट देखते हैं क्या होता है। तो ब्लास्ट होल में जो एक्सप्लोसिव का इस तरह से फटना कि उससे कोई इफेक्ट ना हो, सॉकेट में होता है जैसे कि ये हम लोग होल है, इसमें बहुत सारा हम लोग एक्सप्लोसिव डाल दिए, एक्सप्लोसिव तो फटा लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, या फिर इफेक्ट हुआ भी तो उस होल में सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्रैक हुआ। अब भाई हम लोग को कोयला निकालना है तो होल में सिर्फ क्रैक होने से तो होगा नहीं, उसमें क्या अच्छा सा इफेक्ट आएगा तभी कोल पूरा वो ब्लास्ट होकर हम लोग उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस होल में सॉकेट में क्या होता है कि ब्लास्ट तो होता है पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बस एक क्रैक होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट। और मिसफायर में पूरा का पूरा तरह से वो फेलियर हो जाता है, वो एक्सप्लोड होता ही नहीं है, फटता ही नहीं है, जो चार्जिंग करते हैं वो फटता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स देखिए क्या होता है, ऑफिशियल ऐसे ऐसा पर्सन जिसको ओनर, एजेंट और मैनेजर अपॉइंट करता है। कॉम्पिटेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करता है, मैनेजर, और ऑफिशियल को कौन अपॉइंट करता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर। किसके लिए अपॉइंट करता है, सुपरविजन के लिए या फिर कंट्रोल के लिए, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ऑफिशियल्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, ऑफिशियल्स में आपका सारे असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वे, ये सब इंक्लूड होते हैं ऑफिशियल्स में, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, आपको आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बस आज मैनेज कीजिए, अभी मैं ऑन द वे हूँ, स्टेशन पे हूँ, इसीलिए आज थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। ऑफिशियल्स आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं ऑनसेटर, आ गया वो टर्म जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने दो बार बता दिया है, फिर से एक बार बता दूँ, ये साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर में, एक सेकेंड, ये साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर में जो पर्सन यहाँ से सिग्नल देता है उसको हम लोग बैंक्समैन बोलते हैं, ठीक है, बैंक्समैन बोलते हैं। और जो नीचे से या फिर ये इनसेट बीच का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोग इनसेट बोलते हैं, या फिर इनसेट से जो सिग्नल देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनसेटर, ठीक है। साफ्ट के बॉटम से या फिर बीच से, इनसेट से जो सिग्नल दे उसको हम लोग बोलते हैं ऑनसेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ओवरमैन। ओवरमैन का डेफिनेशन क्या, ओवरमैन तो आप जानते होंगे कि होता क्या है, लेकिन उसका डेफिनेशन देख लीजिए। ओवरमैन हम लोग ऐसे पर्सन को बोलते हैं, देखिए, ऐसा पर्सन जिसके पास मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास मैनेजर और ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, तो क्या बस सर्टिफिकेट रहने से वो ओवरमैन कहला जाएगा, नहीं, उसको रिटन में, राइटिंग में कौन अपॉइंट करता हो, मैनेजर किया हो अपॉइंट उसको, ठीक है, और उसको सुपरविजन के लिए और माइंस में कंट्रोल के लिए रखा गया। सुपरविजन मतलब मैं फिर से बता दूं, देखरेख, काम के देखरेख, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके कंट्रोल के लिए ओवरमैन को रखा जाता है। ओवरमैन को अपॉइंट करता है मैनेजर, और ओवरमैन एक ऑफिशियल्स में आता है, ठीक है, जो किसके सुपीरियर होता है, देखिए, और सुपीरियर टू सरदार, ये सरदार के सुपीरियर होता है, ठीक है, सरदार से ऊंचा पोस्ट होता है ओवरमैन, ये आपको पता होगा। अब देखते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव सारा वैसा एक्सप्लोसिव होता है जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया है, मतलब चीफ इंस्पेक्टर ने जिसको सारा एक्सप्लोसिव जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने परमिशन दिया है कि इसको आप अंडरग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव। अब आते हैं क्वार्टर।
क्वार्टर मतलब वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा क्वार्टर है। वो सब दिमाग अभी, वो सब ख्याल अपने दिमाग से अभी हटा दीजिए, ये दूसरा क्वार्टर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये क्वार्टर होता है 3 मंथ का, ठीक है। बैंक वगैरह में जब आप किसी चीज़ का जब इंटरेस्ट आता होगा या फिर मैसेज का जब आपका चार्ज कटता होगा बैंक अकाउंट में, वो जाके पूछिएगा तो बोलेगा क्वार्टरली कटेगा। क्वार्टरली कटेगा मतलब 3-3 महीना पे कटेगा, साल में 4 बार कटेगा। तो माइंस में भी क्वार्टर होता है, पीरियड ऑफ 3 मंथ जो होता है जिसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। ये कब कब ख़त्म होता है, तो एंडिंग ऑन 31st मार्च, अब 1 जनवरी से 31 मार्च जो हो गया, 1 से 31 मार्च उसको हम लोग बोलेंगे पहला क्वार्टर, फिर 1 अप्रैल से 30 जून दूसरा क्वार्टर, इसी तरह करके 30 सितंबर तीसरा क्वार्टर, और चौथा क्वार्टर हो जाता है 31st दिसंबर, ठीक है। 3-3 महीना का एक क्वार्टर होता है, तो 12 महीना है तो टोटल 4 क्वार्टर होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं वर्किंग। वर्किंग क्या होता है, माइंस में ऐसा कोई सा भी एक्सकवेशन का काम, ठीक है, माइंस में ऐसा कोई सा भी एक्सकवेशन मतलब खुदाई, जो कोल निकालने का एक प्रोसेस होता है, उसका कोई सा भी ऐसा काम जो हम लोग कोल पाने के लिए कर रहे हैं, वो कोई सा भी काम हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को ही वर्किंग बोलेंगे कि सिर्फ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ही तो कोल आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई सा भी ऐसा वर्किंग जो कोल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग। आगे देखते हैं वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है देखते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड माइंस का ऐसा पार्ट या फिर ऐसा जगह, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ, अंडरग्राउंड माइंस का कोई ऐसा पार्ट या फिर ऐसा जगह जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो, जो मेन इनटेक एयरवे से आता हो, ठीक है, मेन इनटेक एयरवे से एक कनेक्टेड हो, एक डिस्ट्रिक्ट का अपना इनटेक एयरवे, और उसका जो रिटर्न हो वो भी एक मेन रिटर्न हो, ठीक है। उसका जो रिटर्न होगा वो एक अपना एक रिटर्न होगा जो मेन रिटर्न से टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इनटेक और रिटर्न आपको पता होगा, मैकेनिकली हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में हवा भेजते हैं, तो जिस रास्ते से हवा आता है उसको इनटेक बोलते हैं, फिर हवा वो पूरे माइंस में मिक्सचर बनता है बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ के साथ, फिर वो बाहर निकलता है, तो जिस रास्ते से वो बाहर निकलता है उसको हम लोग रिटर्न एयर बोलते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट समझ गए आप। अब आगे देखते हैं, ये अब कुछ ऐसा पार्ट है इसका डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं इस वीडियो में कवर नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि इसका मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये तीनों जो डेफिनेशन है इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं और गलती करके आते हैं, अबेंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग। इसीलिए जब मैंने अपने ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया था, जब मेरा वीडियो का सफ़र स्टार्ट हुआ यूट्यूब में, तो मेरा पहला वीडियो आप देखिएगा चैनल पर विजिट करके इसी तीनों पर बना है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है। तो ये तीनों वर्ड का डिफरेंस आप उस वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जो ये है गैसी सीमा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आगे और तो कुछ नहीं है, मैं देख लेता हूं एक सेकंड, नहीं आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक था जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मैंने कवर कर दिया। अब आपको अगर और कोई डेफिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं कल Regulation No. 3 पे एक वीडियो लाऊंगा, वो वीडियो किसी भी तरह का हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं Regulation No. 3 को आपको डिटेल से समझाऊँ, या फिर Regulation No. 3 से आप MCQ सॉल्व करें, मैं MCQ का एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि सर उसको डील मत कीजिए, डील जो करते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है, आप क्या कीजिए उसको MCQ में बताइए, क्योंकि MCQ बताएंगे तो बच्चों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो होगा, अब सरप्राइज़ का वेट कीजिए, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।